नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी। लंबे समय से जो है सहायक पुलिसकर्मी वो लगातार धरने पर थे और उसी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता भी उनके द्वारा रखी गई और उस प्रेस वार्ता में रणनीतियां बताई गई कि आगे आंदोलन को लेकर वो लोग क्या कुछ करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा जुड़ेंगे सहायक पुलिसकर्मियों से और जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी, आप लोग लंबे समय से जो धरना दे रहे हैं तो इसको लेकर जैसे आप ये भी आप लोग अनिश्चितकालीन जैसा कि प्रेस वार्ता में आप लोगों ने कहा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि हम लोग 2017 में जब बहाल हुए थे तो उस समय भी हम लोग का मानदेय 10,000 रुपये था। बाद 2024 जब आ गई उस समय भी 10,000 है, तो समय का काफ़ी अंतर हुआ है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है महंगाई का। अब हम लोग सेम जैसे थे वैसे में हैं अभी भी, और जब हम लोग दो बार इसके लिए आंदोलन भी किए तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला आश्वासन, और अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। कल तक हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है, तो हम लोग बाध्य हैं आंदोलन के लिए। अगर सरकार, क्योंकि 2024 जो नया वर्ष है उसमें झारखंड पुलिस की बहाली आई हुई है, उसमें हम 7 साल जॉब किए हैं, सेवा दिए हैं सरकार को, और हमको सेवा के नाम पर उसमें कुछ 1% का कुछ छूट उठ नहीं मिला है, कुछ वेटेज नहीं मिली है। उम्र हमारी ख़त्म हो गई इसमें। जब हम नए उम्र में थे तो आपने 10,000 में खटवा लिया, 10,000 में नौकरी करवा ली। अब जब ज़रूरत हमें अपने परिवार का है, हमको घर का मदद करना है, उस समय आप हमको जो नए बहाली दिए हैं उसमें 1% का छूट नहीं है, उम्र संबंधित छूट नहीं है। अगर 15 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से पहले सरकार हमारी भावना को, हमारी पीड़ा को अगर नहीं समझती है तो हम विवाद हैं, मजबूर हैं आंदोलन के लिए, और हम लोग फिर इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन होगा तो ज़बरदस्त होगा, और उसका क्या रूपरेखा होगा उस समय बताएगा, उस समय क्या मांग करती है उसके लिए जवाबदेह सरकार की होगी। तो जैसा कि आपने सुना, सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार जो है धरना दिया जा रहा है और ये अनिश्चितकालीन धरने पे भी रहेंगे, और इनकी मांगे वेतन मान को लेकर, आगे वेतन मान की बढ़ोतरी को लेकर है। ये जो आपकी मांगे हैं, मतलब किन किन चीज़ों को लेकर हैं? एक पुलिसकर्मी का जो वाजिब और अनुकूल मांग होती है, हम पूर्व में भी 2 बार आंदोलन के माध्यम से जो भी सरकार में मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, मीडिया के माध्यम से जो मूलभूत मांग था कि इन लोगों के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आधार पर नियुक्ति हुई है तो इनको तत्काल जीवन यापन भरण पोषण के लिए संतोषपरक न्यूनतम वेतन दे दिया जाए। उसके बाद जो आगामी विज्ञापन है झारखंड पुलिस का बहाली, उसमें एक ऐसा आरक्षण सिस्टम रोस्टर लागू करके ऐसा रास्ता बनाया जाए कि मैक्सिमम सहायक पुलिसकर्मी पुलिस संवर्ग में आ सके, और जो बच सके उनको एक मानदेय वृद्धि करके उनको रास्ता बना दें ताकि अपना फ्री माइंड से ड्यूटी भी कर सके और भरण पोषण भी कर सके। लेकिन सरकार विगत 7 वर्षों से केवल आधुनिक बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दी है, और जाना आना कहीं गहरा नींद में, कुंभकर्ण से भी गहरा नींद में है। लेकिन अबर बार जो आंदोलन होगा उसके बाद फिर दोबारा आंदोलन नहीं। आगे की रणनीति, मतलब आप लोग इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो? जो संवैधानिक ढंग है उससे हम बात रख हर दरवाजा पर रखने का प्रयास करेंगे। अगर बात मान लेता है तो ठीक, और नहीं मानते हैं तो पुरजोर ढंग से सीढ़ी वाइज जिला से लेकर राज्य तक पूरा संवैधानिक के साथ साथ जो मैक्सिमम से मैक्सिमम त्याग हो सके वो करने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। आंदोलन होगा लेकिन बृहत आंदोलन होगा। तो जैसा कि आपने सुना सहायक पुलिसकर्मियों से कि लगातार ये जो है अनिश्चितकालीन धरने पर है और ये आगे भी सरकार जब तक इनकी बातों को और इनकी मांगों को नहीं सुनती है, पूरा नहीं करती है, तो ये ऐसे ही इससे भी कई ज़्यादा एक्शन लेने को तैयार है। और देखने वाली बात ये है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है, या फिर सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी, या फिर ये इससे कुछ हट कर कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान हूँ।